नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज हम बताते हैं कि ये हमारा स्विच ख़राब हो गया है, जो हमारे फ्रिज की लाइट बंद नहीं होती है। जब हम गेट बंद करते हैं तो फ्रिज की लाइट बंद नहीं होती है, तो इसको स्विच को हमें निकाल कर नया स्विच लगाना है। तो इसी के बारे में ये वीडियो है, तो आप हमारी पूरी वीडियो ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन जरूर दें। ये देखो, जब मैं पुश कर रहा हूं तो लाइट नहीं बंद कर रही है, तो ये स्विच ख़राब है। इस ये हमारे पास नया स्विच है, इस स्विच को हम लगा देंगे। उसमें जैसे स्विच लगा के फिर चेक करेंगे। चलो दोस्तों, मैं स्विच लगा दिया हूँ उसमें और आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये लगा दिया हूँ नया स्विच, अब इसको हम पुश करेंगे, बिल्कुल लाइट बंद हो रही। जैसे ही गेट बंद करेंगे, स्विच अब बंद हो दब जाता है तो लाइट बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका बिल्कुल स्विच ये काम करेगा, बल्ब जलेगी और बंद होगी। अब इसको हम उसी स्थान पे लगा देते हैं, बैठा देते हैं, फिर हम गेट बंद करके चेक करते हैं कि स्विच काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, जैसे ही प्रेशर पड़ता है स्विच बंद हो जा रहा है। बिल्कुल सही हो गया। अब गेट बंद करके भी आपको हम दिखा देते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे देखो, अंधेरा हो गया, लाइट बंद हो रही है, एकदम ओके हो गया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।